तो भाई 2 दिन से मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ ना, बस पूछो मत। क्योंकि कल भी मैं बहुत रोई हूँ, रात के 11 बजे तक रो रो के मेरी आँख सूज गई थी, क्योंकि मेरी दादी जो है वो एक्सपायर कर गई है। क्यों, मुझे ज्यादा दुख इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे ही पाला पोसा था, उनके पास ही मैं पल पोस के बड़ी हुई हूँ, तो फिर इसलिए मेरी तो माँ की जगह थी वो, मुझे बहुत याद आती है उनकी। तो कल मेरी दादी एक्सपायर कर गई, इसलिए मैं कल पूरा दिन रोती रही जब से मुझे पता चला। यार अब रोने से क्या फायदा, उम्र हो चुकी थी उनकी, 95 ईयर्स की थी, लेकिन वो अच्छी भली थी। उनको हार्ट अटैक आ गया था रात को। एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना पड़ता है, पर जब भी कोई हमारा छोड़ के जाता है तो हमें दुख तो होता ही है। मैं आज भी नहीं भूल पाई, कल तो रो ही रही थी मुझसे, आज भी मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं उन्हीं के पास रहती थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया है, स्कूल में भेजा है, सब कुछ उन्होंने किया है। तो मुझे उनकी बहुत याद आती है, जब भी अकेली बैठती हूँ बहुत मन बहलाने की कोशिश करती हूँ पर नहीं भूल पाती। और मैं वैसे भी कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी नहीं भूल सकती। पता नहीं क्यों हमारे अपने हमें छोड़ के जाते हैं। कभी मेरी माँ ने भी इतना नहीं किया मेरे लिए जितना मेरी दादी ने किया था, इसलिए वो मुझे सबसे प्यारी थी, सबसे प्यारी। चलो ठीक है, आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। कल दादी की खबर सुनी इसलिए पूरा दिन टेंशन में थी। और कल साक्षी, इसको फीवर था 3-4 दिन से, तो कल साक्षी वो बन करवा के आई थी, कोरोना टेस्ट करवा के आई थी, तो आज सुबह सुबह इसकी रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव आ गई। तो कल से पहले ही मैं इतनी टेंशन में थी और आज वो कोरोना पॉजिटिव आ गई, तो आप समझ सकते हो कि क्या बीतती है, कि दोनों बच्चे मेरे बीमार हो गए और मेरी इतनी भी तबीयत खराब हो रही है कि मैं मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, फिर भी सब कुछ करना पड़ रहा है उनके लिए। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी रात के बज रखे हैं 11 और हम लोग इधर देख रहे हैं मूवी, और इधर मम्मी करवा रही है मालिश तेल की सर में, है ना मम्मी। रात के 11 बजे मानसी अपने कंबल में बैठती है, साक्षी को कोविड है तो दूसरे कमरे में, और पापा भी इधर लौट के देख रहे हैं मूवी। तो फिर चलो हम लोग देख लेते हैं मूवी, रखी है छोड़ी थी तो चलो। मम्मी ने यहाँ पे तलिया चढ़ा रखा था बनाने के लिए, साक्षी बीमार है नहीं आई। और भाई हाल देखो क्या हो गया है, सिटी नहीं आई कुकर में, और जैसे ही कुकर में सिटी लाने की कोशिश करी पूरा उछल के सारा दलिया साक्षी का बाहर आ गया। अब इसको समेटो भाई साहब, कितना बुरा हाल हो गया भाई है। गजब। तो भाई हमारा जो दलिया था वो बिखर चुका था, दोबारा हमने दलिया बनाया और खाना खाया है, और आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।